सब्सक्राइब करें बस टुडे टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस टुडे टेक। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप नोटपैड की हेल्प से अपने सिस्टम का टाइम एंड डेट कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। एक क्वेरी भी मेरे पास काफी टाइम से आ रही थी कि सर बैच फाइल की हेल्प से टाइम एंड डेट कैसे अपडेट करें, प्लीज बताएं। तो आज इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब आपको यहां पर मिल जाएगा। तो चलिए नोटपैड ओपन कर लेते हैं डायरेक्ट, और ये नोटपैड हमारा ओपन हो गया और यहाँ पर नीचे आप टाइम एंड डेट भी देख लीजिए मेरे सिस्टम का, 6:25 शाम के पीएम हो रहा है और डेट यहाँ पे हो रही है 8 जुलाई 2020, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 जुलाई 2020। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नोटपैड में लिखना होगा, सपोज आपको डेट चेंज करनी है तो आपको डेट लिखनी होगी, डेट के बाद एक स्पेस देना होगा और स्पेस में आप अपनी डेट लिखेंगे जो आपको अपडेट करनी है। सपोज आज 8 जुलाई है, मुझे डेट चेंज करनी है 11 जुलाई लिखूंगा मैं, देन डैश लगाऊंगा, देन यहाँ पर जो अभी मंथ चल रहा है वो मैंने लगाया 07 या फिर जो भी आपको करना है चेंज वो लगाएंगे, देन डैश, देन 2020। जिस फॉर्मेट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। इसके बाद सपोज आपको टाइम भी चेंज करना है, अगर आपको सिर्फ डेट लिखनी है तो सिर्फ आप डेट लिख के छोड़ दीजिए, टाइम भी करना है तो आप टाइम के बाद स्पेस देंगे, देन आर आर में अपना टाइम मेंशन करेंगे। सपोज मुझे 08:20 और 20 सेकेंड और एएम के लगाने हैं तो आपको इसी फॉर्मेट में टाइम यहां पर मेंशन करना है, ठीक है। मैं यहां पर एक कमेंट भी डाल देता हूं जिससे कि आपको रिमाइंड रहे, आर ई एम डेट फॉर्मेट इज डी डी डैश एम एम डैश वाई 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 वाई, ठीक है। और यहां पर भी मैं कमेंट यहां पर पोस्ट कर देता हूं, आर ई एम टाइम फॉर्मेट इज एच एच कॉलोन एम कॉलोन एस एस और ए एम या फिर पी एम, जो भी आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे शो करने के लिए, इसका प्रोग्रामिंग में कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ कमेंट है आपको बताने के लिए कि फॉर्मेट क्या रहेगा, ठीक है। हालांकि जस्ट आप ये लिखेंगे और ये लिखेंगे और आपकी कमांड पूरी हो जाएगी। फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, सेव एज करने के बाद आप डेस्कटॉप पे या फिर कहीं पर भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं। टाइम एंड डेट अपडेटर .bat एक्सटेंशन से आपको सेव करनी है फाइल, ऑल फाइल कीजिए, देन सेव कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। तो आपके पास यहाँ पे टाइम एंड डेट अपडेटर एक फाइल यहाँ पे आ गई है। अभी का आप टाइम देखिए और जो फाइल में हमने टाइम डाला था इसको आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करेंगे, यस करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका टाइम अपडेट हो जाएगा तुरंत प्रभाव से, 8:20 AM हो गया है और 11 जुलाई हो गया है, ठीक है। अगर आपको वापस से टाइम अपडेट करना है बहुत तुरंत प्रभाव से, राइट क्लिक करेंगे इस बैट फाइल पे, एडिट करेंगे, एडिट करने पर अपनी डेट डालेंगे यहाँ पर 08 जुलाई, मैं वापस से आज की डेट में चेंज कर लेता हूँ, देन 6:30 यहाँ पर टाइम सपोज और 00 सेकेंड और यहाँ पर पीएम में कर लेता हूँ और इसको मैं जस्ट फाइल में जाके सेव कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, मेरी यहाँ पर बैच फाइल कंप्लीट हो गई। राइट क्लिक करके आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, देन यस कर देंगे, आपका टाइम वापस से चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं 6:30 और 8 जुलाई ऊपर टाइम आ रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत तेजी से बहुत आसानी से अपना टाइम एंड डेट चेंज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं अपनी इस बैच फाइल के थ्रू। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके लिए जानकारी कितनी हेल्पफुल है ये भी बताइएगा। ऐसे और वीडियोस और ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।